गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम आपका केमिकल रिएक्शंस में स्टूडेंट्स पार्ट नंबर फोर्थ लेके आए हैं, जहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम बनाया है, और डायग्राम में स्टूडेंट हमने क्या किया है कि सबसे पहले एक स्टैंड लिया है, उसके ऊपर एक वायर गेज एक जाली लगाई है हमने, और उसके ऊपर एक चाइना डिश यानी कि चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है, एक बर्तन है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने कॉपर पाउडर को ऐड किया है, और नीचे से स्टूडेंट्स ये बर्नर है, इस बर्नर की हेल्प से हम इसको हीट अप करेंगे। तो जब हम इसको हीट अप करेंगे तो स्टूडेंट्स ये होगा कि ये जो कॉपर पाउडर है स्टूडेंट्स, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक कलर का क्यों हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रिएक्शन हुई है तभी ये ब्लैक कलर का हुआ है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये जो कलर चेंज हुआ है, अगर आप इसको रिएक्शन के थ्रू समझें तो ये देखिएगा, ये है वो रिएक्शन हमारे पास। यहाँ पे हमने कॉपर लिया है, और ऑक्सीजन कहाँ से, क्योंकि हम ये रूम में रिएक्शन कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी ही। हमने हीट अप किया तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो पहले कॉपर था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड कि जो ऑक्साइड की एक लेयर बनी, इसकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि किसी भी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन को ऐड करें तो वो जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, इस वजह से इसका कलर चेंज हुआ। अब समझेंगे स्टूडेंट्स हम रिडक्शन क्या होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कॉपर पाउडर था जिसको हम हीट अप कर रहे थे, अगर हम इसको हीट अप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में करें, हाइड्रोजन की प्रेजेंस का मतलब अगर मैं इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कर दूं, तो होगा ये स्टूडेंट, इसका जो ब्लैक कलर था वो डिसपियर हो जाएगा और ये ब्राउन कलर, ब्लैक से ये ब्राउन कलर हो जाएगा। ब्राउन कलर चेंज हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई वहाँ पे रिएक्शन हुई। वहाँ पे जो रिएक्शन हुई स्टूडेंट्स, उसको बोला हमने रिडक्शन। यानी कि देखिएगा, ये हमारे पास आपका जो कॉपर ऑक्साइड बना था, ये रहा हमारे पास आपका कॉपर ऑक्साइड। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया, यानी कि ये आपका क्या स्टूडेंट्स, ये आपका आपका कॉपर ऑक्साइड। अगर आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन स्टूडेंट्स हाइड्रोजन से करवा दें, ये आपके पास आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करेगा तो ये जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट, वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिएक्शन होगी उसमें यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और आपका कॉपर प्लस वाटर बनेंगे और ये ब्राउन कलर का होगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ये मत समझ लेना कि सर यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है, एडिशन तो तब होगा ना जब हमारे पास इस कॉपर में कुछ ऐड होता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर के अंदर जो हमारा कॉपर है उसके अंदर से आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो कॉपर का तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं कॉपर का तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और अगर कोई पूछे हाइड्रोजन का क्या हुआ, तो हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा और ऑक्सीडेशन भी। रिडक्शन हुआ कॉपर का, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन। तो इसको हम स्टूडेंट्स रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि वो रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हों, उस रिएक्शन को स्टूडेंट्स बोला जाएगा आपका रेडोक्स रिएक्शंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर बोलेंगे रिडक्शन किसका हुआ, तो हम बोलेंगे कॉपर का रिडक्शन हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों के दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट इस रिएक्शन में रहते हैं, तो आप यहाँ पे
कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपल स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन पे जाएं तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, वेयर एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। इसके कुछ और एग्जाम्पल अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स को कमेंट्स बॉक्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।